नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम थ्योरी की क्लास करेंगे जिसका नाम है नर्सरी मैनेजमेंट। एक या दो प्रश्न इससे आते हैं, आप लोग कॉपी उपी निकाल लेना, यहां लिखना है, कल के जैसा नहीं है कि बस केवल भाषण देना है। तो एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते चलेंगे और आपको लिखते भी जाना है, ठीक है। आप लोग को भी शुभ संध्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं, उन सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से कॉपी पेन आप लोग भी निकालें और शुरू करें आज की कहानी। चले आगे, ये साइलेंट कर दूं। चले फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि क्या है नर्सरी। क्या है नर्सरी बताना, तुम लोग क्या समझते हो नर्सरी से? प्रशांत, किसे कहते हैं नर्सरी? शुरुआती अवस्था। किसकी शुरुआती अवस्था है? पौधों की। आप लोग नर्सरी में पढ़ाई किए? किया था। क्या सीखा? खेलना, नाक पोछना, नेट पोछना, छींकना, ये सब सिखाते हैं और क्या, पढ़ाई थोड़े सिखाते हैं। तो नर्सरी का मतलब यहां से भी हम सेम पॉइंट समझते हैं। नर्सरी क्या है अगर पूछा जाए तो यह एक एरिया है, छोटी सी क्या है, एक एरिया है जहां पे किसका ग्रोथ होने वाला है बताओ, या जिस पे हम सोइंग करेंगे, बुआई करेंगे। किसका बुआई करोगे बताओ? बीजों का। किसकी बुआई करेंगे हम? बीजों का। क्या करेंगे? सोइंग, यानी कि बुआई हम करेंगे सीड का। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि बताओ नर्सरी क्या है? तो नर्सरी एक एरिया है, एक क्षेत्र है जहां पे हम बीजों का करेंगे बुआई। अच्छा, एक नर्सरी ले लेता हूं इधर, जिधर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस नर्सरी, इस बीज को बोने के लिए कुछ ना कुछ हमें मटेरियल चाहिए जिसपे बीज को बोओगे, चाहिए या नहीं? अब मिट्टी चाहिए या कुछ और पदार्थ चाहिए, खाद चाहिए, FYM चाहिए, इसे हम कहते हैं मीडिया। दो पॉइंट अपने को याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं? मीडिया। तो मीडिया दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मीडिया ऐसा हो जिसमें मिट्टी हो तो इसे हम कहेंगे सॉइल मीडिया। क्या बोलोगे इसको? सॉइल मीडिया। और एक ऐसा हो जिसमें मिट्टी हो ही नहीं तो इसे हम कहते हैं सॉइल लेस मीडिया। क्या बोलोगे इसको? सॉइल लेस। सॉइल लेस का मतलब होता है मृदा रहित, मृदा रहित। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडिया कैसा होना चाहिए बताओ, सॉइल लेस, और एक कैसा है मृदा सहित। तो मृदा सहित और सॉइललेस, तो ये दो पॉइंट है इसका नर्सरी में। देखते हैं अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हम उपयोग करने वाले हैं। फर्स्ट देखो, ये जो नर्सरी में हम डाले हुए हैं ये क्या है बताओ? मीडिया है। ये क्या है? मीडिया। इसे हम क्या कहते हैं, ये पूछ लेगा प्रश्न, इसे हम कहते हैं प्रोट्रे। क्या बोलते हो इसको? प्रोट्रे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से बताएं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रे। क्या बोलोगे इसको? प्रोट्रे। अब ये जो पौधा लग रहा है, सबसे पहले ये सारे चीज समझ गया, ये इसके जो हाथ में है ये क्या है? मीडिया है। ये क्या है? और मीडिया में क्या आ रहा है? यहां से बीज आपने बोया था और इससे हो रहा है रूटिंग। रूटिंग का मतलब जड़ निकल रहे हैं। किसका निकलना हो रहा है बताओ? जड़ का। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बनते हैं, नर्सरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां जड़ का होता है आरंभन। क्या होता है? जड़ का होता है आरंभन। तो नर्सरी में हम लोग पढ़ते थे तो क्या कुछ सीखते नहीं है, पर केवल स्कूल में जाकर बैठना सीखते हैं। किस तरह से बैठे, मैडम उडम पढ़ाते रहती होगी, देखता होगा। तो दो चीज चाहिए, एक तो बच्चा को बैठने के लिए टेबल बेंच चाहिए, और यहां टेबल बेंच का काम कौन करेगा बताओ? मीडिया। कौन करेगा? मीडिया। और जो बच्चा है तो यहां पे बच्चा कौन है? बीज। कौन है बच्चा बताओ?
बीज, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्सरी उधर भी सेम है, नर्सरी इधर भी सेम है। इधर एक मीडिया चाहिए जिस पे बच्चा बैठा हुआ है, और बच्चा क्या है यहाँ पे बताओ, सीड। क्या है इंपॉर्टेंट? सीड। अब इस बच्चे को क्या करना है, जो बच्चा है अपना, कौन बच्चा है बताओ, सीड, इसको अच्छे से क्या करवाना है, सिखाना है, यानी ग्रोथ करवाना है। क्या करवाना है? ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट होता है नर्सरी का, एक तो इसमें रूटिंग जो होगा अच्छा होगा, पहली पॉइंट, जड़ क्या निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि छोटा बच्चा, देखा होगा नर्सरी में हजार के बैच नहीं बनते हैं, 1000 लड़का नर्सरी में पढ़ रहा है, कभी देखा है कितने बच्चे बिठाते हैं, 10-15। इसका मतलब समझो एकदम उसी नर्सरी से 10 लड़का को बिठाएगी और मैडम देखते रहेगी कौन पोटी कर दिया, कौन सुसु कर दिया। तो नर्सरी का मतलब क्या है, देख रेख क्या होगा बताओ, देख रेख क्या होगा इसमें, अच्छा होगा। तो देख रेख अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसे छिक कर दिया तो मैडम तुरंत जाएगी, अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ। इसका मतलब इसमें बीमारी का भी नियंत्रण क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपकी एरिया कम है, छोटी सी एरिया है, तो हम हर पौधा को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अरे यार बोलूंगा, अरे अरे यार देख देख ये पौधा खराब है, बेचारा कमजोर हो रहा है, मरा हुआ है, तो उसको तुम क्या करोगे, निकाल देंगे। लेकिन 20 हेक्टेयर में लगा दो प्लांट, अब उसमें हमें एक पौधा को देखना है जो खराब है, तो मुश्किल काम है। और नर्सरी छोटी एरिया है तो इसको आराम से हम देख रेख कर सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो रूटिंग अच्छा होगा, देख रेख अच्छा करोगे, बीमारियों का कंट्रोल क्या कर लेंगे इसमें अच्छा। तो अब बताओ, अब तुम समझ रहे होंगे कि बताओ नर्सरी क्या है। नर्सरी यह क्षेत्र है, छोटी सी एरिया है, जहां हम बीजों की बुआई करते हैं। क्या करते हैं, पहली पॉइंट, बीजों की बुआई, यानी सीड का क्या होता है यहां पे, सोइंग। अब ये सीड क्या है, थोड़ी थोड़ी सी क्या होने लगेंगे बताओ, बड़े। अब ये जो सीड बड़े होंगे तो इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? सीडलिंग। बच्चे के पढ़ाई की जगह क्या कहलाता है, बच्चे का पाठशाला। क्या कहलाता है? बच्चे का पाठशाला। नर्सरी का मतलब उसको अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, बच्चे का क्या है बताओ, पाठशाला। तो यहां पे पाठशाला में बच्चे नहीं है, यहां पे सीडलिंग है। सीडलिंग को बोलते हैं पौध। क्या बोलते हैं? पौध। तो पौध का साला क्या कहलाएगा, पौधशाला। क्या कहलाएगा? पौधशाला। यानी अब बताओ नर्सरी है क्या, जहां पौधों को क्या किया जाता है, परिपक्व किया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पौधशाला। क्या बोलोगे? पौधशाला। तो ये सीडलिंग बने, अब इसको हम क्या करेंगे, स्थानांतरण। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलोगे, स्थानांतरण। जरा देख लेना, स्पेलिंग गलत हो सकता है हिंदी में, इसे कहते हैं दोस्त ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलोगे? ट्रांसप्लांटिंग। और ट्रांसप्लांटिंग कहां करेंगे बताओ, मुख्य खेत में। कहां करोगे? मुख्य खेत का मतलब मेन फील्ड में हम क्या करेंगे इसका, ट्रांसप्लांटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रश्न क्या क्या पूछेगा, जरा मैं यहां से लिखता हूं। ट्रांसप्लांटिंग जो होते हैं कितने सप्ताह में करते हैं, एकदम अच्छा अच्छा प्रश्न लिखते जा रहा हूं। ट्रांसप्लांटिंग जो है, ट्रांसप्लांटिंग समझ गया, किसका करेंगे, सीडलिंग का। किस में करेंगे, मुख्य खेत में। अब जैसे कि नर्सरी से पहला क्लास में जाना है तो इसको क्या बोलते हैं, अब ट्रांसफर कर रहा है भाई, तो ये ट्रांसप्लांटिंग होते हैं कितने में, 3 से 4 सप्ताह। ये किसके लिए जनरली लेते हैं 3 से 4 सप्ताह, तो ये होता है यूज वेजिटेबल क्रॉप के लिए। ये नहीं कि अगर आम का हमने नर्सरी लगाया, किसका लगाया, आम का, और 3 सप्ताह में ट्रांसफर कर दोगे तो गलत हो जाएंगे। तो ये अब दूसरा हो गया फ्रूट ट्री। अगर फल वृक्ष हो गया तो इसका ट्रांसफर हम कितने दिनों में करेंगे, इसका ट्रांसफर हम करते हैं 12 से 15 माह में। कितने दिनों में करोगे बताओ, 12 से 15 माह में। कब? वेजिटेबल का ट्रांसफर कितने दिनों में करेंगे, 3 से 4, यानी 21 से लेकर 28 दिनों में कर ले। आप लोग भी ना छोटा छोटा लिखते रहो अपने, ये नहीं कि बार बार बोलूंगा लिखो। फ्रूट ट्री का ट्रांसफर कितने दिनों में करेंगे,
12 से 15 माह में, यानी एक से सवा साल में करेंगे। अगला, अब जो ये ट्रांसफर है, ट्रांसप्लांटिंग है, ये पूछेगा कितने पत्ती अवस्था पे करते हैं। पत्ती की अवस्था ये इंपॉर्टेंट है। पत्ती की अवस्था पे ट्रांसफर करोगे, लीफ स्टेज पे। अब देखो इसमें क्या आ रहे हैं, पत्ती आ रहे हैं, तो आपको पत्ती देखना पड़ेगा वेजिटेबल्स के लिए कितने पत्ती हो गए। तो चार से छह लीफ स्टेज पे हमें क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग। लेकिन अगर पूछा जाए पीजीआर का उपयोग कब करते हैं, आया हुआ प्रश्न बार बार आते हैं, पीजीआर का उपयोग कब करते हैं, तो 2 से 4 लीफ स्टेज पे। कब करोगे बताओ, 2 से 4 लीफ स्टेज पे। तो इसको आप पहले लिखो, ये सारे प्रश्न है इंपॉर्टेंट। सर आपने ऑल वेजिटेबल्स की क्लास लिए लेकिन बीन का नहीं लिया, ले लूंगा बीन का। ऋतुराज जी बीन का भी क्लास हो जाएंगे, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज अपन थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, रोज रोज अपने न्यूमेरिकल करोगे तो उससे। आप भी लिखते जाना, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं ये लिखते जाना, यह एक मानो कि क्वेश्चन टाइप का ही है जो आप करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है 4 से 6 सप्ताह, बिल्कुल वो भी सही है, लेकिन मिनिमम हमें कितना है, 3 से 4 सप्ताह। जैसे प्याज की बात करेंगे तो प्याज के 5 से 6 सप्ताह में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। हर एक का अलग अलग आता है, वो अलग अलग हम बोल देंगे। इसमें ऐसा नहीं पूछेगा जनरली, जैसे आपको पूछ लेगा प्याज का कितने दिन में, फूलगोभी का कितने दिन में, वो अलग लिखेंगे, टमाटर का कितने दिन में। मिनिमम ये क्या है, मिनिमम आपको 4 सप्ताह तो लग जाएंगे, ध्यान रखना। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये जो नर्सरी है ये क्या है अपना बताओ, नर्सरी, ये क्या है नर्सरी। इस नर्सरी में पूछेगा पानी का पीएच कितना होता है। नर्सरी में जो पानी डालते हैं उसका पीएच पूछेगा, जो जो प्रश्न पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका पीएच होते हैं 6.5 से लेकर 7.5, या ऑप्शन में आ जाए 7.0 तो ये भी टिक कर देंगे। कितना करोगे, 7.0, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं ना तो उसको एसिडिक पानी देना है और ना ही बेसिक, कैसा देना है, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7, ध्यान रखना। हम लोग बड़े हो गए तो हमें अब कुछ भी पिला दोगे तो चलेगा, एल्कोहल पिला दो अभी तो आराम से 3-4 पैक चल जाएंगे फटफट, लेकिन इन बच्चों को अभी कितना देना है, 7.0। खुशाल तुम्हें 7.0 पानी। अच्छा ईसी कितना होना चाहिए, ईसी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉइल में बार बार पढ़ लिया। ईसी का मान होना चाहिए 1 से 1.5, कितना होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट प्रश्न लिखते जाओ जो आएंगे, बिल्कुल। न्यूवेज फार्मर कह रहे हैं न्यूट्रल, बिल्कुल सही है। सारे प्रश्न अपन पहले कर लेते हैं। ईसी कितना होना चाहिए जो पानी देंगे उसका, 1.5, ठीक है। अब हम करते हैं ये जो ट्रांसप्लांटिंग आप करोगे, ये ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, इसका 2 प्रश्न और अच्छा बनेगा। यहां तक लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं अपना, ट्रांसप्लांटिंग, अब इसमें पूछेगा कि ट्रांसप्लांटिंग अगर आपसे पूछ लिया कि सदाबहार वृक्ष है, कैसा है बताओ, सदाबहार, सदाबहार समझते हो, सदाबहार का मतलब क्या होता है, एवर ग्रीन अगर ट्री हो तो इसका ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, कब करोगे, जब एवर ग्रीन हो, सदाबहार नगमे हो, जो कभी मरते नहीं, कभी भी सुनोगे तो आनंद आएंगे, यानी जो प्लांट अपनी पत्तियां को गिराते नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, सदाबहार, एवर ग्रीन। और एवर ग्रीन में आपको पता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं होते हैं, जनरली इसमें हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कटाई छटाई किसमें करते हैं, जिसकी पत्तियां गिर जाए तो उसमें हम करते हैं कटाई और छटाई, उसे हम कहते हैं पतझड़ी। क्या बोलते हो बताओ, पतझड़ी। तो बताओ सदाबहार का ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे वर्षा ऋतु में, कब करते हैं बताओ, वर्षा ऋतु में, यानी कि इसका
टाइम कब होगा? जून और जुलाई। कब करोगे? जून और जुलाई। लेकिन पतझड़ी जो होते हैं जिसका नाम है डेसीडुअस, क्या नाम है? डेसीडुअस। तो डेसीडुअस का ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं फरवरी और मार्च में। कब करोगे बताओ? फरवरी और मार्च में। डेसीडुअस में कौन कौन आते हैं जरा आपको जो पत्तियां गिरा देते हैं? तो एक तो टेम्परेट फ्रूट, कौन आते हैं बताओ? टेम्परेट फ्रूट किस में आता है? डेसीडुअस। टेम्परेट फ्रूट बता चुका हूं, किसे कहते हैं? शीतोष्ण फल। इसे क्या बोलते हो मेरे दोस्त? शीतोष्ण फल। ऐसा फल जो महंगा होता है, मैंने ट्रिक आज ही बताया था क्लास में जब शुरू किया हूं, ऐसा फल जो क्या होता है? महंगा, जिसको हम खरीद नहीं पाते हैं, केवल रेट पूछ के रह जाते हैं। आलू बुखारा, अखरोट, बादाम, चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती। कितने दिन से तो नाशपाती देखा नहीं हूं, आलू बुखारा नहीं देखा हूं। तो ये सब क्या है बताओ? शीतोष्ण फल। इन सब में हम करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ध्यान रखना। टेम्परेट फ्रूट में क्या करोगे? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट है सब ट्रॉपिकल, याद आ रहा है कुछ? राजस्थान के फल वृक्ष क्या होते हैं? सब ट्रॉपिकल। इसे एरिड में अब बांट दिया गया, जिसे हम बोलते हैं सम शीतोष्ण। क्या बोलोगे? सम शीतोष्ण। तो बताओ इन दोनों का कब करेंगे नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग? फरवरी और मार्च। समझ में आ रहा है? अब हर एक वृक्ष हम रटेंगे नहीं, कितना रट लोगे आप बताओ? आपको पूछेगा कि सेब हो गया, आडू हो गया, नाशपाती हो गया, इन सब में बडिंग ग्राफ्टिंग कब करते हैं? तो जनवरी फरवरी के माह में इसमें क्या करते हैं? बडिंग और ग्राफ्टिंग, उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इस तरह से। बेर, ग्रेप्स, टेम्परेट फ्रूट, गोविंद धाकड़, बिल्कुल सही है। कुलदीप सिंह, नमस्कार नमस्कार। चले लैब असिस्टेंट का सर, एग्रीकल्चर वालों के लिए फिजिक्स आती है क्या? तो तेरे लिए अलग से नहीं बनाएगा सिलेबस, वो है, वो जो है से है, ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट। यहां तक आपने कर लिया? बताओ एवर ग्रीन रहेगा तो उसका ट्रांसप्लांटिंग कब करोगे? जून जुलाई। डेसीडुअस रहेगा तो कब करोगे? फरवरी में। नर्सरी में पानी का पीएच कितना होना चाहिए? 7। उसका ईसी कितना होना चाहिए? 1 से 1.5। कितने पत्ती अवस्था पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? तो देखो अभी बच्चा है तो कितने? 2 से 4। जब पौधे में 2 पत्ती हो, 3 पत्ती हो, उस समय उपयोग करेंगे पीजीआर। कितनी अवस्था पहले पीजीआर? पीजीआर क्या करेगा? उसका हार्डनिंग करेगा। हार्डनिंग क्या होता है? जब बच्चा जाता है स्कूल, छोटा बच्चा था, देखते होंगे बैग में मम्मी बॉर्नविटा डाल देती है, बेटा स्कूल में पीना, दूध में ऐसे घोल घाल के, तो वो क्या करेगा? उसको नए वातावरण के लिए क्या कर रहा है? अनुकूलित कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। ऐसा ही नर्सरी वाले पौधे जो छोटे होते हैं उसको एक केमिकल दिया जाता है जिसका नाम है साइकोसिल। क्या नाम है? तो साइकोसिल क्या करेगा? जैसे सी, तो ये क्या करेगा? उसका हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग का मतलब होता है न्यू इन्वायरमेंट में इसको एडजस्ट करवाना। हार्डनिंग क्या कहलाता है? नए वातावरण में उस प्लांट जा रहा है, धीरे धीरे उसको एडॉप्ट करवा रहा है, ताकि उसको क्या करेंगे अब? मेन फील्ड उदयपुर में नर्सरी है और जाके लगाऊंगा महाराष्ट्र में, तो उसको नया वातावरण मिलने वाला है। तो न्यू वातावरण के लिए वो अपने शरीर को धीरे धीरे क्या करेगा? एडजस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। तो हार्डनिंग में कौन सी रसायन का उपयोग करते हैं बताओ? तो ये है साइकोसिल। लिख लोगे पूरा नाम? क्या कहते हैं इसको? साइकोसिल। जो जो प्रश्न पूछा है हम उसी का डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप बेहतर करो। नहीं तो नर्सरी मैनेजमेंट काफी लंबा है, एप्लीकेशन पे जाके देखना, 4 घंटे में पढ़ाया हूं इसको, नर्सरी मैनेजमेंट, पर अपनी उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? चले अब हम बात करते हैं जो नर्सरी लगाएंगे। क्या लगाओगे? नर्सरी। अब ये नर्सरी लगा रहे, मैंने बोला नर्सरी की एरिया क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी। अब इसकी जो लंबाई होनी चाहिए ये होना चाहिए 1 मीटर, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? और एक आइडियल नर्सरी 3 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होगा? 3 मीटर। तो ये 3 मीटर अपने जो रूम है ना, ये सफिशियंट है। तो ये 3 मीटर इसकी लंबाई देख लिया, चौड़ाई कितना रखना है? 1 मीटर। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगा बताओ? 3:1। क्या बनेगा?
3:1. अब ये नर्सरी जो हो थोड़ी सी जमीन से ऊपर पूछ लेगा, जमीन से ऊपर होना चाहिए, जमीन से ऊपर। और ये प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है। तीन तरह के नर्सरी बताऊंगा आपको। जब हम नर्सरी बनाते हैं ना, बेड बना रहे हैं, नर्सरी का बेड बनाओगे तो तीन तरह के बनाते हैं। एक को कहते हैं फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है बताओ? एकदम फ्लैट, बराबर, समतल। फ्लैट का मतलब क्या है? समतल, रटना नहीं है, समतल। और एक का नाम है रिज, RIDG। रिज का मतलब होता है उभरा हुआ। रिज का मतलब क्या है? उभरा। यानी जमीन अगर यहां है तो इससे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे। यह है जमीन। यह कौन सा तल है बताओ? यह है भूमि। तो भूमि से कितने सेंटीमीटर ऊपर? 10 से 15 सेंटीमीटर कहां लगा दोगे? ऊपर। तो इसको कौन सा बेड बोलोगे? रिज। फ्लैट किसको बोलते हैं? बिल्कुल जमीन के बराबर लगा दिया, कौन सा है? फ्लैट। लेकिन दिक्कत क्या आएंगे? जमीन के बिल्कुल बराबर लगा दोगे ना तो वर्षा में दिक्कत होंगे, हो गए या नहीं? बीज बो दिया, पानी बह गए तो वो पूरी बीज को क्या कर देगा? खराब। तो नर्सरी को हमें थोड़ी सी, जैसे ये है पोडियम, जमीन से क्या है? ऊपर है, ऊपर लगाएंगे तो ये कौन सा नर्सरी कहलाएगा? आपके प्रश्न क्या बनेंगे? सबसे उपयुक्त। और एक होता है संकन, SUNKEN। संकन का मतलब होता है धसा हुआ। बताओ तीन तरह के नर्सरी, इसको आते हैं BSc में 5 नंबर में। कौन कौन है? फ्लैट, दूसरा क्या है? रिज, तीसरा क्या है? धसा हुआ। तो ये तो बिल्कुल नहीं लगाना है वर्षा में, नहीं तो गड्ढा भर जाएगा। धसा हुआ का मतलब क्या है? हथेली है ना, तो हथेली समतल। अब नीचे देखो गड्ढा है तो वो कौन है? संकन। राष्ट्रपति भवन किसका उदाहरण है? कौन सी गार्डन का? राष्ट्रपति भवन संकन गार्डन का किसका उदाहरण है? संकन। तो संकन का मतलब जमीन से नीचे, जमीन तल से क्या होगा? नीचे। रिज का मतलब जमीन तल से ऊपर, और फ्लैट का मतलब जमीन तल। अब हमें आप बताओ एक प्रश्न बहुत अच्छा, वर्षा कालीन में जब आपके वर्षा हो रहे हैं जून जुलाई में, तो कौन सा नर्सरी लगाना उपयुक्त होगा? कौन सा होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार लगा के लिख लेना। वर्षा ऋतु के लिए कौन सा नर्सरी सबसे इंपॉर्टेंट है? रिच। कौन सा है? आप लोग भी ऑनलाइन वाले, बिल्कुल सही है सर। जेट का एग्जाम कब होगा? जेट का एग्जाम होंगे आपके जून में। अभी आज आने वाला था ना, कल मीटिंग हो गए हैं आपके, बिल्कुल सर से आज मैंने थोड़ी सी बात किया था। तो जून में, अब मैंने जो आपको डेट दिया था, देखो क्या दिया था, याद होगा वीडियो जो मैं बनाया था, सेकेंड वीक ऑफ जून। क्या दिया? सेकेंड। अब ये चांसेज है थर्ड वीक, कहां जाएगा? थर्ड, या फिर और कहां? फोर्थ वीक। यानी अब तो जून में, 15 जून तक आप रिलैक्स करें। अभी एक महीना तो पढ़ना नहीं, खुशहाल खूब टाइम है। शुरू करेंगे अपन 8 मई के बाद से पढ़ाई। कब से? 8 मई के बाद, लेकिन पढ़ना है। पहले आप शेयर करें, कुलदीप सिंह जी, हाँ सब अपने अपने शेयर कर दें, लाइक कर दें अगर लगता है तो, नहीं लगता है तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। जून कर लिए सब। अब ये समतल, रिज और ये पूरी पॉइंट। अच्छा है, इसमें रिज की ऊंचाई पूछ लेगा, कितना ऊंचाई होना चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे। यहां तक सबका इंपॉर्टेंट है। अब नर्सरी में इंपॉर्टेंट जो होंगे, एक बीमारी की बात कर लेते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं, पहले इसकी बात कर लें। तो नर्सरी में जो बीमारी लगता है उसका नाम सबसे घातक है डैम्पिंग ऑफ। कौन सा है बताओ? डैम्पिंग ऑफ। इसे हम बोलते हैं आद्र गलन। कौन सा बीमारी लगेगा बताओ? आद्र गलन। और ये अभी AO में आया था। ये लगता है किससे? फंजाई से। किससे लगेगा? फंजाई को क्या बोलते हो? कवक। और ये कवक ना चुपके चुपके बैठे रहते हैं, कहां? मिट्टी में। तो ये कैसा है बताओ? मृदा जनित। कैसा बीमारी है? मृदा जनित। इसे हम कहते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज। कैसा डिजीज है बताओ? सॉइल बॉर्न। इंपॉर्टेंट है सॉइल बॉर्न। अब इसको पूछ लेगा कि ये भाई कवक है तो इसका कंट्रोल बता दो। तो ये अचानक हमला करता है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब अचानक मर जाना।
रात को आपने देखा सारे सीडलिंग बहुत अच्छे हैं और सुबह ये सारे गिरे हुए रहेंगे, तो अचानक मृत्यु क्या कहलाता है? डैम्पिंग आउट। और कंट्रोल के लिए आप फंजीसाइड डालोगे, जैसे केप्टान का उपयोग कर लेंगे, थीरम का उपयोग कर लेंगे, ये सब उपयोग करेंगे हम किसके लिए? डैम्पिंग आउट। मेटाएलक्सिन का भी उपयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नर्सरी में एक और, अगर आप FYM यूज करते हो, क्या यूज करोगे? FYM किसके साथ करोगे? मिट्टी के साथ। तो आपको एक प्रकोप लगेगा जिसका नाम क्या है? दीमक। क्या लगेगा? दीमक। और दीमक को क्या बोलते हो? टर्माइट। तो टर्माइट के कंट्रोल किससे करते हैं बताओ? कंट्रोल, तो इसके लिए आएगा क्लोरोपायरीफॉस। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोपायरीफॉस के द्वारा। पीथियम एफेनिडर्माटम, बिल्कुल पराग आपका सही जवाब है, पीथियम एफेनिडर्माटम। ये कर लिए, ये तो जनरल आपके टॉपिक जो बनते थे वो हमने क्लियर कराया। अभी तक मैंने टॉपिक को शुरू नहीं किया। साइज हो गया, ऊंचाई हो गया, कब कब क्या करेंगे, सारे पॉइंट हमने कर दिया। अब या तो नीम की पत्ती का भी उपयोग करते हैं दीमक के लिए, किसका उपयोग करते हो बताओ? नीम के पत्ती का भी क्या करते हैं? उपयोग। तो ये दो पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट हो गए। अब नर्सरी में जो लगते हैं एक और इंपॉर्टेंट है, पाला। क्या लगता है बताओ? पाला को क्या बोलते हो? फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट के लिए कंट्रोल क्या किया जाता है? पाला सबसे संवेदनशील किसका है? पपीता। और किसको करेगा? आंवला। या तो नर्सरी में सबको करते हैं, नर्सरी किसका किसका लगेगा? टमाटर का लगेगा, और किसका लगेगा? बैगन को लगेंगे, और मेरे भाई मिर्च का लगेगा, और किसका नर्सरी? कोल क्रॉप। सात क्रॉप तो यही है कोल क्रॉप, इसका भी क्या लगते हैं? नर्सरी। और कौन हो गए? ओनियन हो गया, और कौन है? गार्लिक है, जिसके क्या लगते हैं? नर्सरी। इन सब के नर्सरी में पाला से बचाव के लिए नियंत्रण क्या करोगे आप बताओ? नियंत्रण क्या करेंगे? H2SO4। अब इसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब इसकी मात्रा क्या रखेंगे? 0.1%। कितना रखोगे? 0.1। ये बेसिक पॉइंट अभी हमने क्लियर किया जो आपको आना चाहिए नर्सरी में, ठीक है। अब कहानी हम शुरू कर दें, इतना में तेरे क्वेश्चन तो बन जाएंगे सब। पॉइंट वन प्रतिशत H2SO4, सब आप लोग लिख रहे हो, शिवांश, विनोद कुमार, 0.1% H2SO4, पंकज, पीथियम एफेनिडर्माटम, बिल्कुल गोविंद धाकर सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ना मृदा जो मेन पॉइंट क्या है अब समझते हैं। अभी आपने समझा दो चार पॉइंट, अब यहां से हम चलते हैं। यह नर्सरी एरिया है, ताकि आपको अब समझ में आए। क्या है ये बताओ? नर्सरी एरिया। कितनी एरिया लेते हैं? छोटी एरिया। ये ब्लैक पोलोथीन है, इसके अंदर जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है इसको बोलेंगे सीडलिंग। क्या बोलोगे? सीडलिंग। जिसमें ग्रोथ कर रहा है, जिसमें ग्रो कर रहा है, उसे हम कहते हैं क्या? मीडिया। जिसमें, ये तो प्लांट है, अब जिसमें ग्रो कर रहा है ये क्या कहलाएगा बताओ? मीडिया। क्या कहलाएगा? मीडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस मीडिया को हेल्दी रखना। हेल्दी का मतलब क्या है? स्वस्थ रखना। ये मीडिया कब स्वस्थ रहेगा? किसके प्रति आपको स्वस्थ रखना है? तो कीटों के प्रति, ना तो इसमें कीट लगे और ना ही क्या लगे? बीमारी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस मीडिया को बचा करके रखना है। अगर मीडिया में ही कीट ज्यादा है तो इस बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। मीडिया में अगर बीमारी है, कवक है, तो ये तुरंत बच्चे को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मीडिया को हमें क्या रखना है? हेल्दी। या कह सकते हैं मीडिया को रखना है फ्री फ्रॉम कहां से? इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट, पेस्ट और किससे? डिजीज से। इससे हमें क्या रखना है? फ्री। इसके लिए क्या करते हैं? तीन पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो करते हैं सॉइल सोलराइजेशन, याद आ रहा है कुछ?
क्या करते हैं? सॉइल सोलराइजेशन यानी सौरीकरण कहते हैं हिंदी में, मृदा सौरीकरण यानी कि मिट्टी को गर्म वाले क्षेत्र में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो या तो उसको हम पोलोथीन के द्वारा क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। कौन सा पोलोथीन उपयोग करते हैं? ट्रांसपेरेंट। कहीं कहीं ठंडे प्रदेश में, अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान में है तो राजस्थान में कौन सी पोलोथीन? ट्रांसपेरेंट। लेकिन जम्मू कश्मीर में करना है सॉइल सोलराइजेशन तो ब्लैक पोलोथीन, ताकि ब्लैक क्या करता है, उष्मा का अवशोषित करेगा। पोलोथीन की मोटाई पूछ लेगा आपको तो कितना होना चाहिए, 20 माइक्रोन। कितना होना चाहिए बताओ? 20 माइक्रोन। कितना होना चाहिए पोलोथीन की मोटाई? 20 माइक्रोन। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। केमिकल का उपयोग करते हैं जिसको फ्यूमिगेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेंट। हिंदी में धूमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमक। उसका उपयोग करेंगे। बीजों का उपचार करते हैं थायरम के द्वारा। क्या करेंगे? बीजों का उपचार। तो ये 3-4 पॉइंट है, सॉइल सोलराइजेशन, और एक क्या है? धूमक, और एक क्या है? सीड ट्रीटमेंट। क्या है? सीड ट्रीटमेंट, जिससे प्रश्न आते रहते हैं। तो अब हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं आपके साथ। अभी हम फर्स्ट स्लाइड चलेंगे, देखें। 40 गेज पोलोथीन, पराग बहुत मोटा हो जाएगा, 40 गेज बहुत ज्यादा, 200 गेज ज्यादा मोटा करोगे महंगा लगेगा। अल्टीमेट पोलोथीन को हटाना ही तो है, ऐसा तो है ना कि उसका दूसरा काम करेंगे। लो कॉस्ट जो पोली हाउस बनाते हैं ना, उसमें भी हम यही उपयोग करते हैं, 200 का थिकनेस। बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी, नर्सरी के क्या क्या महत्व है, क्या क्या फायदा है, 2-3 आना चाहिए। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसकी फायदा है। तो पहला, नर्सरी लगाने से ऐसे करके देख रेख हम अच्छे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बताओ इसमें क्या लगेगा, एकदम इजी, कीट का प्रकोप क्या होगा? कम। बीमारी का प्रकोप क्या होगा? कम। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिजीज भी इसमें क्या लगेंगे? कम। अब उसमें रूटिंग क्या होगा बताओ, रूटिंग कम या ज्यादा? रूटिंग माने जड़ निकलने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। और जितना ज्यादा जड़ निकलेगा, इतना ही आगे वाले खेत में आपके क्या होंगे? परिपक्व। एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉप ड्यूरेशन। अरे सर ये पॉइंट बताना, ये ARS में पूछता है, क्रॉप ड्यूरेशन ज्यादा होगा कम होगा क्या होता है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज दैट एक पपीता है, पपीता का प्लांट, कितने दिन में ये फल दे देगा? 3 महीना में कच्चा फल देगा। आपको पूछता है पेपेन कितने माह के पपीता से निकालना चाहिए? 3 माह। कैसा है? कच्चा है। 3 माह और रख दो तो 6 माह में ये पपीता अपने जीवन काल को क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेगा। अब 6 माह में इसको हमने 5 से 6 सप्ताह कहां रखा है बताओ? नर्सरी में। यानी 1.5 माह कहां देख रेख किया हूं इसका? नर्सरी में। कितने माह में? 6 माह में। 1.5 माह इसको गोद में रखा, एकदम देखते रहा ऐसा। तो अब बताओ मेन फील्ड में कितना माह रहेगा? केवल 4.5 माह। कितना माह रहा? 4.5। तो क्रॉप ड्यूरेशन को क्या कर रहा है नर्सरी? 1.5 महीना तो अपने पास रख लिया, और 4.5 कहां रहा? मेन फील्ड के पास। तो क्रॉप ड्यूरेशन को भी ये क्या करता है? कम। क्या करता है बताओ? कम। डायरेक्ट मेन फील्ड में लगाता तो 6 महीना झेलना पड़ेगा, ऐसे 1.5 महीना कहां रहा है? माँ बाप के देख रेख में रहा है। कहां रहा है? माँ बाप के देख रेख में। तो ये तो इंपॉर्टेंट। अब अगला जो प्रश्न बोलता हूं, क्रॉप ड्यूरेशन कम कर देगा, रूटिंग बीमारी कम है, कीट का प्रकोप क्या होगा? कम होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन जो इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन प्रतिशत। जर्मिनेशन प्रतिशत जिसको बोलते हैं अंकुरण प्रतिशत, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। अंकुरण प्रतिशत बताओ ज्यादा होगा कम होगा? नर्सरी में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नर्सरी जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है। कैसा कंडीशन देता है बताओ? फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? अनुकूल वातावरण। अनुकूल
वातावरण प्रदान करवाता है, अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि एरिया छोटी है और अनुकूल होंगे तो जर्मिनेशन प्रतिशत क्या होगा, ज्यादा। ये इंपॉर्टेंस हो गए, रटना नहीं है, किसके, नर्सरी का। बताओ नर्सरी के क्या क्या फायदा है, जर्मिनेशन ज्यादा या कम, ज्यादा बीमारी ज्यादा या कम, कम कीट ज्यादा या कम, कम होंगे। दूसरा रूटिंग क्या होगा, जड़े निकलने की क्षमता ज्यादा, क्योंकि इसको आराम से क्रॉप ड्यूरेशन को क्या करेगा, फसल की अवधि को क्या करेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल अवधि को क्या करेगा मेरे दोस्त, कम, फसल अवधि को क्या करेगा, कम, इंपॉर्टेंट है। चले आप लोग ऑनलाइन वाले को सबको समझ में आ रहे हैं, मल्चिंग में कितने माइक्रोन की पोलोथीन चाहिए, मल्चिंग में भी यही माइक्रोन के उपयोग करेंगे अपना, 200 लो कॉस्ट वाले, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चल दें। मल्चिंग में भी तो डियर सॉइल सोलराइजेशन ही तो करते हैं, उसमें क्या करते हो, अलग से थोड़े कुछ करते हैं, बताओ। टाइप ऑफ नर्सरी, अब हम बात करेंगे किसके, टाइप ऑफ नर्सरी, कहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि के आधार पे हम नर्सरी की चर्चा करेंगे, किसके आधार पे, अवधि के आधार पे। दो तरह के नर्सरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जो पहला नर्सरी है इसे बोलते हैं टेम्पोररी, क्या बोलते हैं, टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब बताओ कैसा होगा, ये यही पे ले लेता हूं। टेम्पोररी का मतलब आपको कैसा है, अस्थाई। कैसी नर्सरी की बात करूंगा मैं, अस्थाई, अस्थाई। और दूसरा हम कैसे बात करेंगे बताओ, अस्थाई। दूसरा कैसा है, अस्थाई, इसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। और ये क्या है बताओ, टेम्पोररी। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अस्थाई नर्सरी का मतलब, सपोज दैट आप उदयपुर में, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, जब बड़े हो जाओगे ना, अधिकारी बनोगे, तो अपने तनख्वाह से तुझे पेट नहीं भरेगा, जैसे कृषि अधिकारी बन गया तो खुद के तनख्वाह से पेट नहीं भरते हैं, चाहे तुझे 80,000 तनख्वाह मिले, तुम सोचोगे 80,000 एकदम सेफ रखना है, तो तुम कहां से खाओगे, प्रोजेक्ट से। आज जो प्रोफेसर आ रहे हैं उनकी तनख्वाह मिलती है 1-1.5 लाख, फिर भी प्रोजेक्ट से वो खाते हैं। अब जो प्रोजेक्ट मिला, कहां मिला प्रोजेक्ट बताओ, उदयपुर में। क्या मिला आपको, कि भाई हमें उदयपुर में अमरूद का ना रोड के बगल बगल में पूरी प्लांटेशन करना है, आप अधिकारी हो। क्या मिला आपको, अमरूद का या चीकू का, आजकल देख रहे हो कि ग्रीन सिटी बनाने के लिए रोड के बगल में फलों का क्या लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला। अब आदमी आप हो, मान लिया जाए गंगानगर का या महाराष्ट्र के हो, और प्रोजेक्ट मिला है उदयपुर में, तो ऐसा थोड़े है, बार बार मैं बोलूंगा रुक रुक रुक, ट्रक भेज रहा हूं महाराष्ट्र से लाऊंगा नर्सरी, अब महाराष्ट्र से नर्सरी लाऊंगा उदयपुर में लगाऊंगा, बिहार से नर्सरी लाऊंगा उदयपुर में लगाऊंगा, तो नर्सरी लाने का खर्च क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। ट्रक से लाऊंगा तो खर्च क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ऐसे स्थिति में, क्योंकि नर्सरी जानते हो कि 1.5-2 महीना, 3 महीना में क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, अगर वेजिटेबल है तो 1.5 महीना में तैयार हो जाएगा, और अगर फलों का है तो 1 साल में क्या हो जाएगा, तैयार। तो ऐसा नर्सरी जो कहां पे लगाते हैं बताओ, प्रोजेक्ट के निकट, जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उसी के निकट लगाएंगे, तो उसको हम कैसा बोलेंगे बताओ, टेम्पोररी या अस्थाई। कैसा बोलोगे, टेम्पोररी या अस्थाई। तो ये जो नर्सरी होते हैं ना, ये होते हैं सीजनल। सीजनल का मतलब जब जब ऋतु आएगा इसका, उस अनुसार से हम इसको क्या करेंगे, लगा देंगे, और इसमें कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब। अब ऐसा नर्सरी बनाने के लिए देखो, ये कितना एकदम टीन ऊन लगा करके कितना खर्च किया है भाई साहब, ये हाईटेक नर्सरी है, इसको बनाने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। अब 10 लाख लगा दोगे एक प्रोजेक्ट में नर्सरी बनाने में, तो बर्बाद हो जाओगे, खाओगे क्या, लूटोगे क्या, लूटना भी तो है तुझे। तो बताओ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें होते हैं, अस्थाई, नाम ही है क्या, अस्थाई। अब उदयपुर में हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया जाए मेरा बिजनेस ही क्या है, नर्सरी का, तो हम उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, तो ये कैसा होगा बताओ, स्थाई।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? परमानेंट। लेकिन जिसको हमें शिफ्ट करना है, देखो ये गमले उमले लगा दिया ऐसा ही, पेड़ पौधे, ये फलों का नर्सरी है, ये अशोक का पेड़ लगा हुआ है, कहीं लगाना होगा अशोक का रोड के बगल में, तो ये कौन सी नर्सरी है बताओ? टेम्पोररी। क्या है? समझ में आ गया दोनों? आप बताओ, दोनों में प्रश्न बनेगा, कॉमर्शियल नर्सरी किसे कहते हैं? कॉमर्शियल व्यावसायिक नर्सरी, जो बेचने के लिए उपयोग किया जाता है, परमानेंट। शॉर्ट ड्यूरेशन नर्सरी किसे कहते हैं? छोटी अवधि वाले, कौन है? टेम्पररी। समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट आप ऐसे लिख दिए। अब आते हैं इसका, देखो टेम्पररी नर्सरी का क्या क्या नाम है। नर्सरी ऑन साइट, समझ में आया? जहां पे आपका प्लान है वहीं पे नर्सरी लगा देना, इसे हम क्या कहते हैं? एकदम छोटा लिखना है, टेम्पररी, अस्थाई। अस्थाई का पहला भाग क्या है? नर्सरी ऑन साइट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसकी पीरियड क्या होनी चाहिए? छोटी, छोटी अवधि। कैसा है ये बताओ? छोटी अवधि, यानी प्लान पे नर्सरी अवधि क्या होनी चाहिए? छोटी। और दूसरा, इसे ऑल्सो कॉल्ड, ये डायरेक्ट पूछेगा, सीजनल, ऋतु नर्सरी किसे कहते हैं? ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बताओ, टेम्पोररी नर्सरी, नर्सरी ऑन साइट, जहां आपका प्लान है वहीं पे क्या लगा दिया? नर्सरी। दूसरा, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए इसकी? छोटी। कैसी होनी चाहिए? छोटी। और तीसरा, इसे कौन सा नर्सरी बोलोगे? सीजनल नर्सरी। कौन सा नर्सरी है? सीजनल। कंप्लीट है यहां तक? आगे बढ़े, चले अफजल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, सर ने 2 माइक्रोन बताया, ठीक है, 2 माइक्रोन ठीक है, आगे बढ़े। नेट पूरा हो गया, कुलदीप सिंह, अरे नेट थोड़ा ज्यादा भराया कर, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे परमानेंट नर्सरी की। किसकी बात करेंगे बताओ? परमानेंट। परमानेंट आपको समझ में आ गया, ये अपना जोरदार बनाना है, बिजनेस पर्पस के लिए बनाना है, हर चीज का हिस्ट्री, इतिहास याद रखना है, लिखना है कॉपी पे। अब देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए उदयपुर में देखना है कि कौन सी क्रॉप ज्यादा मांग है, उसकी हम इसमें डिमांड रखेंगे। ऐसा नहीं कि नर्सरी तो खोल दिया, अब इसमें सेब की नर्सरी लगा दे, आड़ू की लगा दें, आलू बुखारा, तो कभी कोई डिमांड करेगा ही नहीं उदयपुर में, तो लगाने से क्या मतलब। तो आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी डिमांड है, वही वही क्रॉप का हम लगाएंगे। तो बताओ, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, होगा या नहीं, इसे कहते हैं कॉमर्शियल नर्सरी, ये लिख लेना। व्यावसायिक नर्सरी किसे कहते हैं? व्यावसायिक, गलत लिखा हुआ है, आप याद रखना, व्यावसायिक। और इसको सेल पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, किस पर्पस के लिए? सेल, सेल का मतलब बेचने के लिए। बस एक याद रखना है, कॉमर्शियल नर्सरी किसको कहते हो? परमानेंट को। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, ऑर्नामेंटल का मतलब क्या है? सजावटी। तो नर्सरी कैसा? सजावटी। तो इसमें क्या क्या लगाओगे? अरे कुछ नहीं, देखिए गमले होना चाहिए, फूल होना चाहिए, इन सबको हम कैसा नर्सरी कहते हैं? ऑर्नामेंट। ये कोई पूछेगा नहीं, इसमें लिखना उखना नहीं है, तो इसमें हम क्या रखते हैं? कट फ्लावर, लूज फ्लावर, कैसा होगा? किसकी नर्सरी ये बोल रहा है? कट फ्लावर का, और किसका? लूज फ्लावर का। इसको बोलते हैं पॉटेड गार्डन, हैंगिंग गार्डन, शहरों में देखा होगा ऐसा ऐसा गमला लाके घर में लटका देते हैं, तो ये सब नर्सरी होना चाहिए। ये किस नर्सरी में मिलेगा? ऑर्नामेंटल में। किस में मिलेंगे? ऑर्नामेंटल का मतलब कैसी नर्सरी होना चाहिए बताओ? सजावटी। कैसी होनी चाहिए? सजावटी। इसको लिखना नहीं। अब वेजिटेबल नर्सरी, तो इसमें कैसा होना चाहिए? सब्जी वाले होना चाहिए। इसमें क्या लिखोगे? तो ये हो गए टाइप ऑफ नर्सरी, कौन कौन हमने पढ़ा, एक तो टेम्पररी जिसको पूछेगा सीजनल कहते हैं, कॉमर्शियल किसे कहते हो? परमानेंट को। ऑर्नामेंटल में फूल उल मिलेंगे, ये सब क्या है? ऑर्नामेंटल, यानी घर को सजावने वाले सब किस में मिलेंगे? ऑर्नामेंटल। वेजिटेबल आपको समझ में आ गया, वेजिटेबल नर्सरी किसे कहते हैं? अगला है फ्रूट प्लांट,
तो फ्रूट प्लांट में इसमें क्या जीरा गोल्की मिलेगा, क्या मिलेगा? फल वाले, तो फल वाले में क्या मिलेंगे? ये क्या लगा हुआ है, ग्राफ्टिंग, बडिंग, इन सब की नर्सरी मिलेंगे। किस में मिलेंगे? फ्रूट नर्सरी। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये टाइप ऑफ नर्सरी सब पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट नर्सरी, फॉरेस्ट नर्सरी में किसका मिलेगा? जंगल के वाले नर्सरी, जैसे टेमारेंड, इमली, आंवला, ओक, यूकेलिप्टस, इन सब का हमें प्लांट मिलेगा। किसमें मिलेंगे? फॉरेस्ट। अब हम प्लांट लेने जाएं, पलाश का पेड़, कौन सा पेड़ है बताओ? पलाश का। या लेने जाएं सागवान का वृक्ष, और सागवान का वृक्ष लेने जाएं वेजिटेबल वाले नर्सरी में, तो मार के मुंह फुला देगा या नहीं? बोलेगा हरे राम सर नहीं पढ़ाया तुझे कि कहाँ कौन मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आम लेने जाए हम जंगल में, तो नहीं मिलेगा ना। अब वहां हम बोले जनार्दन पसंद वेराइटी दो, तो नहीं देगा कोई। बगान पल्ली दो, देगा कोई? नहीं देंगे। तो ये आपको एक आइडिया केवल है कि डिफरेंट टाइप के नर्सरी होते हैं अपने अपने पर्पस के आधार पे। जहां फ्रूट चाहिए तो वहां फल के लगा देंगे, जहां वेजिटेबल का चाहिए तो वहां वेजिटेबल। अब जंगल वाले जो फॉरेस्ट वाले अधिकारी होंगे तो उनको कौन सी नर्सरी चाहिए? फॉरेस्ट चाहिए। वो सब्जी लगा के क्या करेंगे? वहां खेल कूद करेगा थोड़े, सेवा के। शेर आएगा, लोमड़ी आएगा, बोलेगा अच्छा करेला है, खेलते हैं। तो वहां तो अलग अलग प्लांट लगाना है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ा चुका हूं। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना के आधार पे। किसके आधार पे हम बात करेंगे बताओ? संरचना के आधार पे हम बात करते हैं। तो कौन कौन सा है आपको पता होगा ये कैसी नर्सरी है? केवल देखना है ये नर्सरी जमीन से ऊपर दिख रहा है या नहीं। तो इसको आप क्या बोलोगे? रिज। क्या बोलोगे इसको? हम क्या बोलेंगे? रिज। रिज का मतलब कैसा है? उभरा हुआ। अच्छा अगला ये वाले देखो, यहां नर्सरी, ये गड्ढे है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? संकन। क्या बोलोगे इसको? संकन। तो रिज समझ में आ गया, संकन समझ में आ गया। संकन कहां होते हैं? नीचे। रिज कहां होता है? ऊपर। बस इतना ही। अगला है हाईटेक नर्सरी। तो ये हाईटेक नर्सरी ऐसे होते हैं। हाईटेक नर्सरी यानी ग्रीन हाउस आर के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? हाईटेक। ये हाईटेक नर्सरी मैं 4 घंटा में पढ़ाया हूं आपको, जो ऑनलाइन वाले लड़के होंगे, डाला हुआ है फॉरेस्ट्री वाले क्लास में हाईटेक नर्सरी। यहाँ तो एक लाइन में बोल के निकल जाऊंगा हाईटेक नर्सरी, क्योंकि सर दर्द हो जाएंगे। शेड क्या है, पॉलीटनल क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, ये सारे समझा चुका हूं आपको एप्लीकेशन पे। ये तीनों का इमेज देखो एक साथ दिखाया हूं। ये कैसा है? जमीन से थोड़ा सा क्या है? ऊपर। तो इसको क्या बोलते हो? रेज्ड। ये क्या है? जमीन से नीचे, तो क्या बोलते हो? संकन। और ये जमीन के बराबर, तो ये क्या है? फ्लैट। तो बताओ वर्षा ऋतु के लिए कौन उपयुक्त है? वर्षा ऋतु के लिए कौन उपयुक्त है बताओ? ये प्रिपरेशन ऑफ फ्लैट बेड। कुछ नहीं देखना है इसमें। सीड बेड को ट्रीटमेंट करेंगे। सीड बेड जो बेड है ना, बेड किसे कहते हैं? सीड बेड, जो मिट्टी उट्टी है। तो सीड बेड को हमें उपचार करना है। सीड बेड को क्या करना है? या बोल सकते हो मीडिया। मीडिया का हम क्या करेंगे? उपचार। किससे करेंगे? लिखा हुआ है थायरम से। कितना? एट द रेट ऑफ 3 ग्राम प्रति केजी। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट, सर पढ़ाए होंगे तो ठीक है, ये लिख लेना है फ्लैट बेड में। दूसरा रेज बेस्ड, ये याद रखना है। कितना सेंटीमीटर ऊपर है? कहीं 10 से 15 लिखते हैं या 15 से 20 सेंटीमीटर कहां होना चाहिए? ऊपर। किस ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट है? रेनी। और ये बचाव किस बीमारियों के लिए करता है? डैम्पिंग ऑफ। ये तीन ही पॉइंट। रेज बेड किस ऋतु के लिए बताओ? वर्षा के लिए। कितना ऊपर रखेंगे अपना? 15 से 20 सेंटीमीटर कहां रखेंगे? ऊपर। और किस बीमारियों से बचाव करेगा ये? तो ये करेगा आपका डैम्पिंग ऑफ से। किससे करेगा बताओ? डैम्पिंग ऑफ। नेक्स्ट, स्पेसिंग कितनी होनी लिखना है? तो दो पॉइंट तो लिखना है बताओ कौन? वर्षा से, आद्र गलन से बचाव, ऊंचाई। ऐसे लिखना, ऊंचाई कितना रखना है? 15 से 20 सेंटीमीटर। ऋतु कौन से ऋतु में ये काम आएंगे आपको? वर्षा ऋतु में। कौन से बीमारी से बचाव? बीमारी से बचाव तो डैम्पिंग ऑफ, आद्र गलन। आद्र गलन
चले आ गए, कर दिए आद्र गलन। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताओ एक रो है ऐसा और दूसरा रो है इस तरह से, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है कितना होना चाहिए, 30 से 50 सेंटीमीटर, यानी बेड नंबर वन और बेड नंबर टू इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 30 से 50 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। दो बेड के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 30 से 50 सेंटीमीटर। बस 5 से 10 केजी रोटन FYM, अब बोल रहा है कि FYM कितना मिलाना चाहिए मिट्टी में, तो FYM का मात्रा होना चाहिए 5 से 10 केजी प्रति स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर सही कर लोगे, मीटर बस एक ही, ये तो स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर लिख दिया हूं, एक मीटर स्क्वायर एरिया में FYM पूछेगा कितनी मात्रा चाहिए, 5 से 10 केजी FYM प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर में जितनी मिट्टी होंगे वहां पे FYM कितना डालना है, जो पॉइंट है केवल वही समझा रहा हूं, 5 से 10 केजी कितना डालना है, 5 से 10। अब अगला है उर्वरक का उपयोग कब करते हैं नर्सरी में, किसका उपयोग पूछ रहा है, उर्वरक का, तो उर्वरक में आप जानते हो आधारी उपयोग, आधारी यानी बेसल, सबसे पहले जब सोइंग कर रहे हैं नर्सरी तैयार करते हैं उसी टाइम किसका उपयोग करोगे, तो हम करेंगे फास्फोरस का और किसका करेंगे, पोटास का। किसका उपयोग करते हैं, जब आप नर्सरी बेड प्रिपरेशन कर रहे हो, नर्सरी बेड की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी बेड तैयारी के समय उसी टाइम आपको उपयोग करना है, बताओ किसका, फास्फोरस का और किसका, पोटास का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फास्फोरस और पोटास कब उपयोग करते हैं, जब आप नर्सरी को तैयार करोगे। लिखते जा रहे हो या नहीं, तू लोग लिख नहीं रहा है, अरे एक एक लाइन लिखते जा, तो शुरू में तो होशियार लड़का लग रहा था, ऐसे देखते रहता है, कब लिखेगा, ये लिखना है एक एक लाइन, किसको देख के लिखोगे, तू एक लिख रहा है, जोश खत्म हो रहे हैं अभी से ही पागल, अभी तो तू पढ़ा भी नहीं कुछ, थोड़ा लेट हो गया रोहित मीना सर, सॉरी सॉरी, कोई नहीं, तू लोग से तो अच्छा, देख ये पढ़ते रहते हैं, एक भी लड़का नहीं, सारे लिख रहे हैं, देख बता रहा है कि सर मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिखते नहीं हो पैसा दे करके भी, देख नेक्स्ट, तो इससे अच्छा तो ऑनलाइन ले लेता, 199 रुपए मिल रहे हैं, है? क्यों यहां आया, अब मैं तो चाह रहा हूं कि मैं ये झंझट ही खत्म कर दूं, मेरे को ऐसे पढ़ाने में मजा आए, 30-40 हजार लड़के ऐप पे तो अभी लाइव नहीं ले रहा हूं, केवल इस पे ले रहा हूं, ऐप पे ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। चलो टॉप ड्रेसिंग, लेकिन ऑनलाइन सक्सेस जेट फेट में कभी नहीं होंगे, तुम एक का रिजल्ट होने वाला नहीं, क्योंकि मोबाइल दे देंगे तो तुम पढ़ते तो हो, पढ़ाई तो करना नहीं अपने को, मोबाइल में तो अलग दुनिया ही अपने, तो ये किसके लिए है, इन बच्चों के लिए जो देखो BSc कर रहे हैं, कोई MSc कर रहा है, उसके लिए आपको अभी एक साल के बाद ऑनलाइन। बताओ टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब प्लांट ग्रोथ कर गए, जब प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ आ गए, तब आपको अब किसका उपयोग करना है बताओ, नाइट्रोजन का, किसका उपयोग करना है बताओ, नाइट्रोजन, ये दिनेश सर आपको बड़ा अच्छा समझाए होंगे, टॉप ड्रेसिंग के टाइम किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। बताओ शुरू में किसका उपयोग करते हैं नर्सरी में, एकदम जब बेड तैयार कर रहे हैं, फास्फोरस और पोटास का, जब नर्सरी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएंगे, तो किसका उपयोग करोगे, नाइट्रोजन का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम पढ़ते हैं फोलियर फीडिंग, यहां तक सब पढ़ाते हैं, लेकिन जब ग्रीन हाउस में देखोगे, फोलियर फीडिंग का मतलब होता है केमिकल को डब्बे में घोल करके पत्तियों पे छिड़काव करते हैं, जैसे इस पत्ती में मान लिया जाए नाइट्रोजन की कमी होगी, या MG की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स का घोल बना लेंगे और क्या कर देंगे, पत्तियों पे छिड़काव कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोलियर। फोलियर का मतलब क्या होता है, पर्णीय छिड़काव, हिंदी में क्या बोलते हो इसको, पर्णीय छिड़काव, छिड़काव, तो पर्णीय छिड़काव जो करते हैं किसके लिए करते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक
तत्व के लिए, किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए क्या करते हैं, पर्णीय छिड़काव। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट मृदा उपचार। यहां से प्रश्न आते हैं भाई साहब, ये आप ध्यान रखना, मृदा उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट की हम चर्चा करेंगे। खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव विधि बिल्कुल सही है आप लोगों का। सर जी आज पूरा इंग्लिश चल रहा है, रोहित हिंदी भी तो बोल रहा हूँ रे, मैं तो इंग्लिश और थे वो सब हटा दिया हूँ, एक एक लाइन लाया हूँ। अब सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ, तो मृदा को आपको क्या करना है बताओ, मृदा या कह सकते हैं मीडिया, मीडिया को आपको किससे बचाना है बताओ, कीटों से और किससे, बीमारी से, इन सब से आपको क्या करना है, बचाना है, सही है ना। अब इनको बचाने के लिए सबसे पहला है जिसको बोलते हैं मृदा सौर्यकरण। क्या बोलते हैं, सौर्यकरण। सौर्यकरण का मतलब क्या है, सॉइल सोलराइजेशन। अब सॉइल सोलराइजेशन का मतलब इसको ट्रांसपेरेंट पोलोथीन से क्या करेंगे, ढक देंगे। इसकी मोटाई पूछ लेगा कितने डिग्री पे, देखो तापमान पूछेगा कि सॉइल सोलराइजेशन कितने डिग्री तापमान पे, तो 47 डिग्री से अधिक तापमान पे करते हैं। पहला पॉइंट, कहां करते हैं, किस क्षेत्र में करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्ण प्लस समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्या होता है, सॉइल सोलराइजेशन। उष्ण प्लस समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्या करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन। जैसे राजस्थान है तो किस क्षेत्र में आएगा बताओ, समशीतोष्ण में, सब ट्रॉपिकल में, वेयर सन इज टू हॉट, जहां गर्मी क्या हो, ज्यादा गर्मी क्या हो, ज्यादा। तो ये दो तीन पॉइंट आएंगे किससे, सॉइल सोलराइजेशन। अब इसका एक और अच्छा प्रश्न क्या बनेगा कि ये जो पोलोथीन लेते हैं इसकी मोटाई पूछ लेगा आपसे, क्या पूछ लेगा इसका, मोटाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मोटाई देखो क्या है, 25 माइक्रोन पॉलीफिल्म, क्या है इसका, 25 माइक्रोन पॉलीफिल्म। तो ये अभी आप इसको चेंज करके लिख लेना, कितने होंगे, 200 माइक्रोन, ताकि आप गलत ना पढ़े, कितना रखेंगे, 200 माइक्रोन पॉलीफिल्म, तो यही रखना आप। टेम्परेचर कितना रखा हुआ है बताओ, जो मैं कर रहा हूं 47, कितने समय तक, समय की बात किया है कि ये पोलोथीन कितने समय तक रखेंगे, तो 5 से 6 सप्ताह, कितने सप्ताह तक, 5 से 6 सप्ताह। तो ये लिख लोगे 5 से 6, देखो ये पोलोथीन लगा हुआ है। अब इसका हमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए सॉइल सोलराइजेशन का, ग्रेटर देन होना चाहिए 47, सही बात है। और उसके बाद इसके लिए समय अगर पूछ लिया जाए कि पोलोथीन कितना, तो 5 से 6 सप्ताह तक आपको क्या करना है, ढक के रखना है। इसकी थिकनेस पूछ लिया जाए पोलोथीन का, तो कितना है, 200 माइक्रोन, कौन है, 200 माइक्रोन, अल्ट्रावायलेट से रेसिस्टेंट होना चाहिए, 200 माइक्रोन इसकी क्या होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए। और कहां पे ये यूज होते हैं, तो ये होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, कहां होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में। तो ये कर लिया, लिख लिया 4 पॉइंट, थ्योरी पढ़ाने में और जान निकल जाते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहना। कल छुट्टी दे दूं, मेरे बिल्कुल पढ़ाने का एकदम खत्म हो जाऊंगा मैं। चले आ गया अगला, हम लोग गरीब देश हैं तो हम कैसे करेंगे मिट्टियों का ट्रीटमेंट, सॉइल सूर्य के प्रकाश से। अमीर देश ना इतना दिन इंतजार नहीं करते, हमें कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा बताओ, 5 से 6 सप्ताह, कितना दिन इंतजार करोगे, 5 से 6। विदेशी वाले के पास समय ही नहीं है, हमारे पास गांव में देखो समय ही समय है, बैठे हुए लोग रहते हैं, उनके पास कुछ टाइम नहीं है, समय ही समय है। अब बताएं ये 5 से 6 सप्ताह, लेकिन यहां देखो कितने घंटे में हो जाते हैं, जरा दोनों में अंतर, 4 से 6 घंटे। यहां कितना समय लग रहा है, 5 से 6
सप्ताह, तो दोनों में अंतर है। अगर दिन की बात करें तो यहाँ 40 दिन लग रहे हैं, 40 से 42 दिन लग रहे हैं, और यहाँ केवल 4 घंटे लग रहे हैं। तो करता क्या है ये विदेशी जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ये क्या करते हैं, ये बड़ा सा एक मशीन लाते हैं और उस मशीन में स्टेम है, वाष्प है, गर्म है, इससे उपचारित कर देते हैं। एक तो धूप लगाओ और एक कुकर खोल के वो भाप दे दो हाथ पे, तो जल जाएगा ना तुरंत हाथ, हाथ क्या हो जाएंगे, एक धूप में ऐसे रखो तो देर से जलूंगा, बोलेगा मजा आ रहा है मजा आ रहा है, लेकिन एक मैं लाऊं एकदम गर्म वाष्प और हाथ पे दे दूं, काम चल जाए। तो सेम मारना किसको, अल्टीमेट एम क्या है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या करना है, मारना है, डिस्ट्रॉय करना है, अंडा हो उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो धूप उसको धीरे धीरे खत्म करेगा और ये वाष्प क्या कर देगा, एक ही बार उसको क्या करेगा, खत्म। पर इसके लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बड़ा चाहिए, खर्चा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हम किसान लोग इतने खर्चा उठाएंगे नहीं, तो हम 1.5-2 महीना में ऐसे छोड़ देते हैं। तो उसको सॉइल सोलराइजेशन, और ये भी क्या करेगा, सॉइल बॉर्न को ही मारेगा। लेकिन ये किस कंट्री में अपनाते हैं, एडवांस, एडवांस को बोलते हैं विकसित कंट्री में, किसका उपयोग किया जाता है, स्टेम यानी वाष्प उपचार, किसका करते हैं बताओ, वाष्प उपचार। कर लोगे यहां तक, वाष्प उपचार कहां करेंगे बताओ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन स्विट्जरलैंड हमसे एडवांस कंट्री है, जिसकी आबादी बिहार के इतना नहीं है, फिर भी वो हमसे क्या है, बेहतर कंट्री माना जाता है। कनाडा हमसे बहुत बेहतर है, बोलता है इंडिया को अभी आने में 100 साल लगेंगे हमारे बराबर, इतना, और वो बोलता है 100 साल तक मैं तो थोड़े तेरे को देखता रहूंगा, अच्छा आ जा मेरे बराबर आओ तब मैं आगे बढ़ूंगा, 100 साल में वो कहाँ चला जाएगा। बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है वो, सब सुखी संपन्न कंट्री है, कम बच्चे पैदा करते हैं, नियमानुसार के करते हैं, अगर एक चाहिए तो एक ही करते हैं, उसमें भी खुद नहीं करते हैं, एक बच्चा भी विदेशी कंट्री खुद नहीं रखता अपना गर्भ में, यहाँ से भारत के महिलाएं जाती है वहां, लव 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 मैं तेरा बच्चा रख लूंगा, तो रखती है अपने गर्भ के अंदर, इसको कहते हैं किराए की माँ, क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर। तो सेरोगेट मदर से बच्चा वहां पैदा होते हैं, वहां की औरत को देखोगे 60-70 साल में भी मन करेगा अरे यार मैडम अच्छी लग रही है, अपने यहाँ शादी विवाह होने के बाद 25 साल के बाद ही लगता है अच्छा हटाओ। तो कल जो बता चुका था पढ़ाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है रसायन उपचार, क्या है, रसायन उपचार, कौन सा उपचार है बताओ, रसायन बताओ, सबसे पहले क्या पढ़े, सॉइल सोलराइजेशन, दूसरा किससे पढ़ा, वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा कौन सा कंट्री करते हैं, कौन सा कंट्री, एडवांस कंट्री। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, रसायन के द्वारा, सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं ना वो रसायन के द्वारा और सॉइल सोलराइजेशन से बनते हैं। रसायन के द्वारा एक केमिकल मार्केट में मिलता है जिसका नाम है फॉर्मालिन, ये पूछा गया है, फॉर्मालिन 40 याद रखना, क्या याद रखोगे, फॉर्मालिन 40 का मतलब क्या है जरा हम समझते हैं। फॉर्मालिन 40 का मतलब होता है कि इसमें एक जो इनग्रीडियंट है इसका नाम है फॉर्मलडिहाइड, क्या नाम है, फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला कोई बता दो बच्चा जो पढ़ा हुआ है, फॉर्मलडिहाइड का नहीं याद है, HCHO, क्या कहलाएगा ये, HCHO, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलडिहाइड। अब फॉर्मलडिहाइड जो होते हैं, फॉर्मलडिहाइड की मात्रा होता है इसमें, इस सॉल्यूशन में कितना, 35 से 40%, कितना होता है, 35 से 40, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्मालिन 40, क्या बोलते हो, फॉर्मालिन 40 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बिलियन बनाया उसमें फॉर्मलडिहाइड की मात्रा कितना पाया जाता है, 40%, और ये ना टॉक्सिक होते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, विषैला होगा, कैसा होता है ये बता, विषैला। और 37 से 40% इसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मलडिहाइड। अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन, मार्केट में किस नाम से मिलेगा आपको, फॉर्मालिन, बताओ फॉर्मालिन का क्या क्या प्रश्न बनेगा, फॉर्मालिन, फॉर्मालिन क्या है बताओ, एक केमिकल है जो किस रूप में है, लिक्विड के रूप में, इसमें मेन कंपोनेंट कौन है बताओ, फॉर्मलडिहाइड,
जिसकी प्रतिशत कितना है, 35 से लेकर कितना प्रतिशत है, 40%। ये कैसा होता है? विषैला होता है। कैसा होगा? विषैला। दूसरा, परसेंटेज में अगर पूछ लिया जाए तो डाइल्यूशन, इसका सॉल्यूशन की परसेंटेज 0.25 डाइल्यूशन कितना है, 0.25। अब इसका उपचार कितना करते हैं ये पूछ लेता है कि यानी एक मीटर एरिया में 4 से 5 लीटर क्या फॉर्मालिन डालते हैं, कितना डालते हैं, 4 से 5 लीटर, कितने में, 1 मीटर एरिया में कितने फॉर्मालिन डालते हैं बताओ, 4 से 5 लीटर। समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा बताओ, और इसकी गहराई कहां तक जाते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई तक ये सुरक्षा प्रदान करेगा। कहां तक? 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होंगे, अंडा होगा, उन सबको क्या कर देगा, नष्ट। बताओ इसका 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, केमिकल ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा उपयोग किसका करते हैं, फॉर्मालिन। फॉर्मालिन में कौन सा केमिकल है, फॉर्मल्डिहाइड। उसकी मात्रा कितनी होती है, 40। 40 याद रखेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या बोला गया, फॉर्मालिन 40। कैसा होता है, टॉक्सिक होते हैं। कितने मिट्टी की सतह तक ये जाकर के नष्ट करेगा, 15 से 20 सेंटीमीटर अंदर तक जाकर के ये क्या करता है, अंडे को और सॉइल बोर्न डिजीज जो होंगे, मृदा जनित रोग होंगे, उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। 3 ट्रीटमेंट बताओ क्या क्या, सॉइल सोलराइजेशन, वाष्प के द्वारा और रसायन के द्वारा। एक और बच गया जो आपके एग्जाम में आता है, दिनेश सर पढ़ाए होंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्या है, जैविक। तो एक लाइन है अपना वो। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट पूछा है कि रिमूव द कवर आफ्टर 48 आवर ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर कोई, देखो जब हम फॉर्मालिन का उपचार करते हैं या कोई केमिकल का, तो उसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कवर, पोलोथीन से मिट्टी को क्या करते हैं, ढक देते हैं, ताकि वो वोलाटाइल होता है ना, वो उड़ जाएंगे, तो उसको ढक देते हैं। और ढकने के बाद कितने घंटे के बाद इसको हटा देना है, 48 घंटे। उधर कितने, सॉइल सोलराइजेशन में कितने दिन तक रखते हैं, 5 से 6 सप्ताह, कितने सप्ताह तक। लेकिन ये केमिकल डालते हैं तो केमिकल में देखो वाष्प बनेगा, जैसे इस रूम में छिड़क दोगे ना तो ये वाष्प बनेगा, तो इसको ढक देते हैं, किससे, पोलोथीन या बेडशीट से, किसी से ढक दे। अब द बेड इज केप्ट ओपन, लेकिन 7 से 8 दिन पहले इस बेड से पोलोथीन हटा लेना है, ताकि वो जो विषैले पदार्थ हैं वो वायुमंडल में चले जाए, तो ये छोड़ देना। अब इसमें कुछ प्रिकॉशन है, क्या क्या है, जब इसका उपचार करें तो ग्लव्स लगा के करें, ये मास्क उस्क लगा के करें, इन सब, तो सब ये कोई भी पेस्टिसाइड आप उपयोग करते हो तो ये सब अपने क्या है, प्रिकॉशन रखनी चाहिए, नहीं तो एलर्जी होंगे, प्रश्न उससे नहीं आएंगे। आजकल जो उपयोग करते हैं विदेशियन में, यूरोपियन कंट्री में, और करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का, किसका उपयोग करते हैं, केमिकल हम उपयोग कर रहे थे अभी तक, उसका नाम क्या था बताओ, फॉर्मालिन, क्या नाम था। अब भी आजकल अब और किसका करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसकी मात्रा 35 से 40 ml, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं प्रति स्क्वायर मीटर। उधर कितना उपयोग कर रहे हैं बताओ, 4 से 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर, ध्यान रखना। और इसका उपयोग अब केवल कितना करते हैं बताओ, 30 से 40 ml, लीटर में भी नहीं, किस में करते हैं, ml में, प्रति स्क्वायर मीटर। तो बताओ ज्यादा फायदेमंद कौन है अब, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ऑनलाइन वाले भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जमीन, हाँ 55 हेक्टेयर एक आदमी की, इंडिया में कितने पड़ते हैं बताओ, 0.14, कितना है, 0.14 हेक्टेयर, और ऑस्ट्रेलिया में कितना है, 54 हेक्टेयर। सोच ले कितना हम लोग से ज्यादा जमीन है उसको, हमें तो 1 हेक्टेयर में कितना आदमी हो गया, 15 × 90, 6.5 आदमी 1 हेक्टेयर में, 6.5, और वहां एक आदमी को 54 हेक्टेयर है, और हमें आधा भी नहीं, कोना भी नहीं उसके, कोना, इतने कम एरिया है, क्या करोगे। अब हम बात करते हैं सर, कोचिंग कहाँ पे है आपकी, मेरा कोचिंग अभी मंगल ग्रह पे चल रहा है, कुछ दिनों में ये उदयपुर शिफ्ट करूंगा, अभी फिलहाल हम अंतरिक्ष में हैं, वहीं से लाइव क्लास चल रहे हैं आपके। चले अब हम बात करते हैं कवकनाशी की, किसकी बात करेंगे बताओ,
कवकनाशी, ये पॉइंट आपको सब समझा हुआ है, पर अपन एक रिवीजन कर लेते हैं। कवकनाशी में किसका उपयोग करते हैं? केप्टान का, या किसका करते हैं? कार्बेंडाजीन। दो लिख लोगे, कवकनाशी कौन कौन लिखेंगे? केप्टान या कार्बेंडाजीन। अब इसका उपयोग कितना करते हैं? 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर। और ड्रेंचिंग, बताओ ड्रेंचिंग क्या होते हैं? सर पढ़ाए ड्रेंचिंग, क्या है ड्रेंचिंग? सॉल्यूशन को जड़ों के पास डालना। चलो देखो, मान लिया जाए, बोला जाए कि किसी को प्रॉपर, जैसे एक बल्ब है, मैं आपको समझाता हूं, मेरा पीएचडी का एक्सपेरिमेंट में ही मैं समझाता हूं। बल्ब समझते हो? बल्ब नहीं समझते हो? ट्यूबरोज देखा है? ट्यूबरोज रजनीगंधा नहीं देखा? जिंदगी में देखा क्या है तू? तो ट्यूबरोज में ना बल्ब होते हैं, उसका मान लिया जाए ट्रीटमेंट कर दिया सॉल्यूशन से, तो ट्यूबरोज होते हैं 2 साल का फसल, आप लगा दो फूल आ जाएंगे, अगले साल आपको लगाना नहीं है, उसी बल्ब से फिर फूल आएंगे। तो अब उस बल्ब को देना है आपको रसायन, यानी उसमें डिप करना है, तो फिर पूरी बल्ब निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में ही डाल देते हैं क्या रसायन को, उसको हम बोलते हैं ड्रेंचिंग, यानी छोटी छोटी मिट्टी को खोद करके उसको डाल देते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ये है सॉइल ड्रेंचिंग। सॉइल ड्रेंचिंग का मतलब इस प्लांट को देना है केमिकल, तो अगर आप मिट्टी पे डाल दोगे तो हो सकता है, अभी आपने बोला क्या 15 सेंटीमीटर तक नीचे जा सकता है, ये यहां जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए और यहां बीमारी लगा रह जाए। तो हमें क्या करना है, यहां से मिट्टी को हटाना है और यहां पे रसायन को डालना है, इसको हम बोलते हैं केमिकली सॉइल ड्रेंचिंग। और यही प्रोसेस अपनाते हैं रूट प्रूनिंग में। किसमें अपनाते हैं बताओ? रूट प्रूनिंग। तो रूट प्रूनिंग में भी क्या करते हैं बताओ? इस जड़ को यहां से काट देते हैं हल्का हल्का, तो इसको क्या बोलेंगे? रूट प्रूनिंग। क्यों काट देते हैं भाई? ताकि फालतू ये दूसरे जगह जा करके अतिक्रमण कर रहा होगा, बोले काट ले इधर, तो इसको रूट प्रूनिंग। सॉइल ड्रेंचिंग समझ गए, जहां पे जाना है वहीं पे प्रॉपर क्या देना है आपको रसायन, इसको क्या बोलोगे? सॉइल ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग 4 से 5 लीटर ऑफ 2.5 सॉल्यूशन आपको फंजीसाइड का क्या करना है? डालना है। तो ये केप्टान का मेनली यूज करते हैं, केप्टान आप लिख लो, फंजीसाइड कौन सा उपयोग करते हो? केप्टान। और कितना है? कार्बेंडाजीन। ड्रेंचिंग कितना है? 4 से 5 लीटर। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 2.5 से 3% वाले क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। अच्छा 3% सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो? भावना डांगी जी बोल रहे हैं रूट प्रूनिंग कहते हैं उसको। सर बिल्कुल, रूट में फर्टिलाइजर सॉल्यूशन, रूट जोन में सॉल्यूशन, सबका सही जवाब है, बिल्कुल परफेक्ट आप लोग दे रहे हो। रूट प्रूनिंग एप्पल में करते हैं, विक्की का सही जवाब है। अमरूद में भी करते हैं रूट प्रूनिंग, महाराष्ट्र आर में करते हैं, क्या करते हैं? रूट प्रूनिंग। बेंडिंग करते हैं, आगे बढ़ता हूं जल्दी जल्दी, ये ड्रेंचिंग हो गया। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बहुत सारे, कीटों को नाश करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इंसेक्टिसाइड। तो इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी ले चुके हो, हमें नहीं जाना उधर। अगला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में 2 प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। देखो, अगर नर्सरी है ना, तो नर्सरी में मलानी, एक बीमारी कौन लगता है बताओ? मलानी। मलानी को क्या बोलते हो? विल्ट। क्या बोलते हैं? विल्ट। तो विल्ट को नष्ट करने के लिए, यानी कोई ऐसा कवक होगा जो विल्ट पैदा कर रहा होगा, विल्ट काउज करेगा, इसको नष्ट करने के लिए बायो एजेंट। बायो एजेंट का मतलब हम जो ले रहे हैं नाश करने वाला, वो भी जीवित रहेगा। बायो का मतलब क्या है? जीवित। जैसे मैं किसी और को मार दूं जो नुकसान कर रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। तो हम जीवित ही जीवित को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है। और ट्राइकोग्रामा क्या है? अंड परजीवियाम है। तो ट्राइकोडर्मा एक कवक है जो दूसरे कवक को क्या कर देता है? मार देता है। तो ट्राइकोडर्मा, ये ऐसे लिख देता हूं, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है। और ये किस कवक को मारता है जो क्या कर रहा है? मलानी। क्या करता है? मलानी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा रूटिंग, यानी जो फंजाई क्या है, सड़ा गलाने का काम करता है, उसको भी क्या करता है? ये कंट्रोल। जैसे
सुडोमोनास कंट्रोल फ्रूट स्टेम रॉट. अगला देखना, सुडोमोनास, सुडोमोनास ये कंट्रोल कर रहा है किसको? स्टेम रॉट फंजाई को. स्टेम रॉट, ये दोनों बहुत अच्छा प्रश्न. बताओ ट्राइकोडर्मा जो कवक है ये किस फंजाई को कंट्रोल कर रहा है? जो विल्ट पैदा कर रहे हैं, जो क्या पैदा करता है बताओ? विल्ट. और ये सुडोमोनास जो है, सुडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है. सुडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है. ये किसको कंट्रोल कर रहा है? वह फंजाई जो क्या करता है? स्टेम रॉट. तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल. एक जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है. इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल. अब इसका रेट कितना लेंगे, यही तो पूछ लेता है. दर बताओ, एकदम छोटा छोटा लिखना है. दर कितना है? 10 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर है. प्रति स्क्वायर मीटर कितना है? 10 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर. बताओ, अब सीड शुड बी सोन 2 से 3 डे आफ्टर द एप्लीकेशन. क्या बोल रहा है? जो बीज उपचार करोगे उसके कितने दिन के बाद बुआई करना है? 2 से 3. बताओ इसका 4 पॉइंट. ढक दिया. अगर कोई विल्ट कर रहा है, भाई देख लिया कि यहां भाई विल्ट ज्यादा लग रहे हैं इस एरिया में, तुम अधिकारी हो, तो सीड का उपचार किससे करा दोगे? ट्राइकोडर्मा से. किससे करा देंगे? ट्राइको. लेकिन कहीं देख रहा है कि यार हम प्लांट लगाते तो है, उसका जड़ ही सड़ जाता है, तुम्हें यही तो देखना है, तब हम उपचार उसको किससे कर देंगे? सुडोमोनास से. इसकी मात्रा कितना रखोगे? 10 से 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर. कितने? अब जब इसका उपचार, अभी जैसे आज इसका उपचार किया मिट्टी का, तो अब इसमें कल बीज डाल दो ना, एक दो दिन रुकना है थोड़ा, ताकि बीज को हार्म ना करे ये रसायन. तो कितने दिन रुकना है? 2 से 3 दिन. ये हो गया अपना क्या? बायोलॉजिकल कंट्रोल. ये है आपका क्या? ट्राइकोडर्मा. क्या है? ट्राइकोडर्मा कवक कल्चर है. सीड ट्रीटमेंट किसके साथ करते हैं बताओ? बेवस्टीन या थायरम, सब जानता है. कितनी मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है. कितना लेते हैं? 3 ग्राम प्रति kg सीड. यानी 1 kg बीज है तो कितना ग्राम थायरम लोगे बताओ? 3 ग्राम. कितना लेंगे? 3. ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु ना हम लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दिया, इतना तो नर्सरी में कोई नहीं पढ़ाया होगा और ना ही मिलेंगे तुझे. मैं सब एक तर करके NCERT सब देख करके. अब अगला टॉपिक है 2 मिनट का है, जिसका नाम क्या है? मीडिया. क्या नाम है? मीडिया. मीडिया किसे कहते हैं बताओ? मीडिया किसे कहते हैं? जिस पे हम नर्सरी लगाएंगे, बीज को बोएंगे, उसको क्या बोलोगे? मीडिया. तो ये जो देख रहा है ये क्या है? मीडिया है. और सबसे हेल्दी क्या होना चाहिए? अभी तक जो उपचार पढ़ा किसके लिए? इसी के लिए पढ़ा, केमिकल का उपचार, सॉइल का उपचार. अब देखो मीडिया में ये जो है, ये है मॉस ग्रास. क्या है ये? मॉस ग्रास. इसका उपयोग कर सकते हो. यही मॉस है, ये मॉस ऐसा बन गया, ये सुखा दिया, सुखाने के बाद मार्केट में यही मॉस बिकते हैं. तो ये क्या है? पीट मॉस. कैसा है ये? पीट मॉस. मॉस पता होगा आपको, प्लांट है. किस प्लांट के अंतर्गत? ब्रायोफाइटा में पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं ना. ब्रायोफाइट में क्या पढ़ाया हूं? मॉस. तो एक तो आपको ऐसा एक एग्जाम में ये आता है, परलाइट. ये क्या है? परलाइट. आपके BSCR में ना ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देगा, तीनों रख देगा और बोलेगा बताओ इस मीडिया को पहचानो. ऐसे पेपर पे रहेगा, आपको लिखना है कॉपी में. तो अभी दिखा देता हूं, बाद में कोई दिखाएगा नहीं. ये क्या है? परलाइट. ये होते हैं वर्मिकुलाइट्स. ये क्या होता है? वर्मी. जिसमें पानी को सोखने की क्षमता, इसका ना तापमान नियंत्रण की क्षमता बहुत अच्छी होती है. ये भी वाटर को होल्ड करेगा अच्छा से, खींच के रखेगा. और ये है इसका परलाइट का है, ये भी वर्मिकुलाइट का है. किसका? ये दोनों एक तरफ दिखा दिया. कौन है? परलाइट और वर्मिकुलाइट. परलाइट और वर्म. बताओ परलाइट कैसा दिखेगा? सफेद खल्ली के जैसा लगेगा, चूना के जैसा. और वर्मिकुलाइट कैसा दिखेगा? ब्राउन. नाम है वर्मी, ब्राउन भूरा रंग का दिखेगा. कौन? वर्मिकुलाइट. एक और उपयोग करते हैं कोकोपीट. ध्यान रखना, 3 सॉइललेस मीडिया. जैसे मीडिया हमें सॉइल का नहीं बनाना है. आजकल ज्यादातर ना मीडिया ऐसा उपयोग होते हैं, मिट्टी वाले नहीं होते हैं. किसका उपयोग करते हैं ये? तो इसको कहते हैं सॉइल उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी कर रहे हैं ना. क्या क्या कर रहे हैं? परलाइट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? भर्मिकुलाइट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोकोपीट. कोकोपीट का मतलब ये नारियल है.
कोकोनट का मतलब नारियल, इसके रेशे को लाया जाता है। और आजकल ना, पहले तो ऐसे चूरन बनेगा तो कैसा होगा ऐसा, लेकिन हमें कोको पीट जानते हो कि ये नारियल उरियल ज्यादा केरला में होते हैं, कहाँ होते हैं, अब वहां से हमें लाना है तो ट्रक में भूसा नहीं ऐसा भर के लाओगे अगर, तो ट्रक ऐसे ऐसे दोलते उलते आएगा तो साइड बाय साइड गिरते रहेंगे। और एक बार राजस्थान में इंटर किया, हवा तेज से आया तो पूरा कोकोपीट उड़ जाएंगे ना, तो ट्रांसपोर्टिंग में हमें बहुत नुकसान होगा। इसको क्या किया जाता है, ऐसा ईंट के जैसा बना दिया जाता है। कैसा बना दिया जाता है, ईंट के जैसा। अब ऐसा ऐसा ईंट आते हैं, क्या रहा है वहां से, ईंट उड़ेगा भी नहीं, और इसको जब खोलोगे ना तो बहुत, इससे 26 गुना ज्यादा आयतन में बिखरेगा। कंप्रेस करके मशीन से दाब करके बनाया जाता है ऐसा। अब इसको खोल दूंगा तो ये क्या होगा, बिखर जाएंगे। तो इसको जब खोला तो ऐसा माल तैयार है, ये क्या है, कोकोपीट। अब हमें तीनों को मिलाना है, किसको किसको, एक को क्या है कोकोपीट, दूसरा क्या है परलाइट, तीसरा क्या है बर्मिकुलाइट। क्या है बर्मिकुलाइट, क्या इसमें हमने कहीं मिट्टी डाला, तो मीडिया हमारा कैसा बनेगा बताओ, सॉइल लेस मीडिया। कैसा मीडिया बनेगा, सॉइल लेस मीडिया। अब इसका रेशियो पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा रेशियो किसका या किस अनुपात में रखते हैं, तो आप इसको याद रखना, केवल याद रखना कोकोपीट कितना है, 3। कोकोपीट कितना है, 3। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले वर्मिकुलाइट कोकोपीट और परलाइट का रेशियो क्या रखते हैं, वर्मिकुलाइट कोकोपीट और परलाइट का रेशियो, तो कोकोपीट कितना है, 3, वर्मिकुलाइट कितना है, 1, परलाइट कितना है, 1, तो 1, 3, 1, रटना नहीं है। कोकोपीट हमेशा कितना होता है, ज्यादा, कितना, 3 गुना, और परलाइट और वर्मिकुलाइट 1-1 अनुपात में, कितना, 1-1। पुष्पेंद्र डामोर हिंदी में पढ़ाओ, तो मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूं गदेड़े। एक तो लगता है ना ऐसे ऑर्डर दोगे हिंदी में पढ़ाओ, कुछ लड़के ना पीडीएफ भेजो ना, सर भी नहीं लगाता आगे पीछे, पीडीएफ भेज देना, इतना गुस्सा आता उसी टाइम उसको ब्लॉक करता हूं मैं। कर लिया ये, क्या हो गया, कोकोपीट परलाइट और वर्मिकुलाइट, इसका रेशियो कितना रखोगे, 3-1-1। अगला हाइड्रो इसका उपयोग करते हैं, इसका रेशियो नहीं दिया, बेस्ट मेथड, ये सारे जो बने हुए हैं इसी तीनों का मिक्सचर से, किसका किसका, कोकोपीट बर्मिकुलाइट और परलाइट, इसको क्या कहते हैं, प्रोट्रे। क्या बोलते हैं, इसमें मिट्टी नहीं है, ये तीनों ही मिले हुए हैं, कोकोपीट बर्मिकुलाइट और परलाइट, ठीक है। जिसका अनुपात कितना रखते हैं, देखो यही इंपॉर्टेंट है, 3:1:1, बस। तो ये हो गए आपकी आज की कहानी, यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, हाँ।